राज्य में सरकारी नौकरी की होगी बौछार। पशुपालन विभाग ने निकाली ताबड़तोड़ वैकेंसी, यहां समझे पूरी प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। पशु चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। बिहार में जल्द ही सरकारी नौकरी की पुनर्नियुक्ति होने वाली है। इस बार पशु चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। बता दें कि उनके भर्ती के लिए परीक्षा जो है लिखित माध्यम से होगी। बता दें कि पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और आने वाले 2 महीनों में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मुताबिक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अंतिम ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। ये संशोधन प्रक्रिया नियुक्ति नियमावली में करीब 1 साल से चलाई जा रही है। फिलहाल अभी विभाग में 2090 पद खाली है। तत्काल 80 पदों के लिए बहाली निकालने की बात चल रही है। लिखित परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। नए प्रावधान के हिसाब से अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उनके पास पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए तथा इससे भी अधिक योग्यता होनी चाहिए। इंटरव्यू के बाद आखिर में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस दफा राज्य के तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पशु चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक संशोधित नियमावली के आधार पर 800 से ज़्यादा पशु चिकित्सकों की वैकेंसी जारी किया जाएगा। फिलहाल राज्य में पशु चिकित्सकों की वैकेंसी 2090 है और 1250 कार्यरत चिकित्सकों की संख्या है। वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 35 से 40% पशु चिकित्सक स्वीकृति पद की अपेक्षा कम है। बिहार के पशु चिकित्सकों पर 3 करोड़ से भी ज़्यादा पशु के इलाज का जिम्मा है। 2019 में हुए पशुगणना के मुताबिक राज्य में गोवंश की संख्या 1.53, भैंसों की संख्या 77 लाख, घोड़ों की संख्या 32 लाख और गधों की संख्या 11,000 है। इतना ही नहीं, बकरियों तथा बकरों की संख्या 1,28,00,000 है। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने इस संदर्भ में कहा कि पशु चिकित्सकों की नियुक्ति नियमावली शीघ्र फाइनल हो जाएगी। पद सोपान के हिसाब से इन्हें पुनरोन्नति सही अन्य लाभ भी मिलेगा, साथ में पशु चिकित्सकों की कमी भी दूर हो जाएगी।